Good morning, class. So yesterday we have started the chapter aspiration. Okay, so we have studied about the different steps involved in the process of the respiration. So the main three different steps that are involved in the respiration are glycolysis, second is the Krebs cycle, and last is the ETC, that is electron transfer chain. So these are the main steps that are involved in the process of the respiration. So what is respiration? Basically, respiration is the process of breakdown of food with the help of the oxygen that we have inhaled through the breathing. जो भी हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन अंदर इनहेल की दैट ऑक्सीजन इज यूज टू डिग्रेड द फूड और टू डिग्रेड द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. बेसिकली हमारी ब्लड शुगर कौन सी है? ग्लूकोज इज आवर ब्लड शुगर. तो रेस्पिरेशन में होता क्या है? ऑक्सीजन डिग्रेड द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर वंस टू रिलीज द एनर्जी, एंड एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज इन फॉर्म ऑफ एटीपी. सो आपका फर्स्ट स्टेप था कल ग्लाइकोलिसिस. सो व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? Okay, in the process of glycolysis, glucose molecule is break down to form the two molecules of pyruvate. As we know, glucose jo hai wo aapka 6-carbon compound hai. So one glucose molecule jo hai that degrades and give the two molecules of 3-carbon compound pyruvate. Okay, to isme kya hoga? Aapki energy absorb bhi hoti hai, and with the absorption of energy there is release of energy too. साइड बाय साइड आपकी एनर्जी अगर अब्सॉर्ब हो रही है तो उससे उसके साथ साथ आपकी एनर्जी रिलीज भी हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड इन द फॉर्म ऑफ एनएडीएच टू और एनएडीएच. ये पता ना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रिड्यूस्ड फॉर्म्स होती हैं एनएडीएच एंड एफएडीएच. ओके, सो वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल ब्रेक टू फॉर्म द 2-3-carbon मॉलिक्यूल पाइरुवेट, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. 10 स्टेप प्रोसेस है आपका. 10 स्टेप्स आते हैं पूरे ग्लाइकोलिसिस में. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस? ये मैंने बता दिया कि 10 होते हैं. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, देन फर्स्टली आपका ग्लूकोज है. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द glucose 6-phosphate, and then this glucose 6-phosphate into fructose 6-phosphate, then fructose 1,6-bisphosphate, and then two molecules may divide hoga dihydroxy 3-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. ये दोनों इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं एक दूसरे में आइसोमेरेज एंजाइम विद द हेल्प ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम. यहां से क्या होगा फिर? 1,3-bisphosphoglycerate, एंड देन आपका बन जाएगा 2-3-phosphoglycerate या 3-glyceraldehyde 3-phosphate. हाँ जी, then 2-glyceraldehyde 3-phosphate, then इससे आगे क्या होगा? PEP, then two molecules of pyruvic acid or pyruvate. क्योंकि यहाँ पे dihydroxy जो है वो भी आपका glyceraldehyde formation में help करता है. so हाँ जी, so that's why आपके यहाँ पे हम दो दो molecules consider करते हैं. तो आपका energy release किस किस step पे होता है? यहाँ पे तो आपकी एटीपी से कन्वर्जन होती है एडीपी. यहाँ पर भी आपकी एटीपी जो है वो यूज हो रही होती है. यहाँ पे भी तो हो रही है बिकॉज यहाँ पे एक और, हाँ फर्स्ट पे हो रही है, ये यहाँ पे हो रही है, बाय मिस्टेक लिखा गया. ओके, तो यहाँ पे आपका क्या होता है? एनएडीएच रिलीज होता है. ठीक है, जहां पे भी आपका डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा वो रिडक्शन में हेल्प करेगा. ओके,
यहाँ पे आपका रिलीज होगा एटीपी, एटीपी टू ओके। तो ये आपके हैं डिफरेंट स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। हाँ यहाँ पे भी आपके एटीपी रिलीज होती है। एंजाइम्स फर्स्ट में आएगा हेक्सोकाइनेज एंजाइम, देन आइसोमेरेज एंजाइम, देन फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम, एल्डोलेज एंजाइम। यहाँ पे भी आपका आइसोमेरेज एंजाइम आएगा। यहाँ पे ग्लिसरलडिहाइड 3-4 डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यहाँ पे कौन सा आपका म्यूटेज एंजाइम है, शायद यहाँ पे काइनेज है, यहाँ पे आपका प्रोटीज एंजाइम है, इनोलेज एंड देन काइनेज एंजाइम। So these are the different steps that are involved in the glycolysis. आपने लास्ट में क्या करना होता है, काउंट कर लेने होते कितने आपके एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं। एट, एक आपका एनएडीएच रिलीज हुआ है, वन एनएडीएच जो है वो थ्री एटीपी मॉलिक्यूल्स के पैरेलल होता है, एंड वन एफएडीएच जो है वो आपका टू एटीपी मॉलिक्यूल के पैरेलल होता है, ठीक है। So this is the step of glycolysis. After glycolysis is the glycolysis के बाद क्या होनी है, आपकी formation of pyruvate हो गई है। Now your next step is the formation of acetyl coenzyme A. The acetyl coenzyme A जो है वो आपका आगे enter करता है Krebs cycle में। तो pyruvate is converted into acetyl coenzyme A. यहाँ पर आपका रिलीज होगा एनएडी, विल रिड्यूस टू द एनएडीएच। एंजाइम जो है वो आपका कौन से हेल्प करता है, डीहाइड्रोजिनेज, पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। एंड को एंजाइम ए, इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द एसिटाइल को एंजाइम ए फ्रॉम द पाइरूवेट मॉलिक्यूल। वो यहाँ से स्टार्ट होना है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है दैट एंटर टू स्टार्ट द क्रेब्स साइकिल। आपके जो ग्लाइकोलाइसिस है दैट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। क्रेब्स साइकिल आपका कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। दैट्स वाई ना कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन भी स्टार्ट होनी है। सो दैट्स वाई कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द एनर्जी हाउस और द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज आपके जो मोलिक्यूल्स हैं एटीपी के, मोस्टली आपका एटीपी सिंथेसिस कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके। तो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। एसिटाइल कोएंजाइम ए विल ग्लूकोज में क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पाइरूवेट, थ्री कार्बन कंपाउंड पाइरूवेट में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस पाइरूवेट में क्या होगा, पाइरूवेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, पाइरूवेट सिंथेज एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा। यहाँ पे भी आपका क्या है, जो एनएडीएच मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा होता है, ओके। एंड पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए जो है आपका वो इसमें हेल्प करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है दैट विल बी कन्वर्टेड टू फॉर्म द सिट्रेट, and the enzyme that controls the reaction is citrate synthase, okay. Citrate is converted into the citrate aconitate with the help of the enzyme aconitase. Further citrate cis aconitate is converted into isocitrate with the help of enzyme aconitase. Isocitrate is converted to the alpha ketoglutarate. Yahan pe aapka jo enzyme hai that is isocitrate dehydrogenase enzyme. और यहाँ पे आपका रिलीज होगा वन मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच। अल्फा कीटोग्लूटारेट इज कन्वर्टेड टू फॉर्म द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, एंड द एंजाइम इज अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज विद द रिलीज ऑफ वन एनएडीएच मॉलिक्यूल। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आपका कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट सिंथेज, और यहाँ पे आपका वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज होगा, ठीक है।
succinate is converted into fumarate, fumarate enzyme होगा आपका succinate dehydrogenase, और यहाँ पे आपका release होगा molecule of FADH. Fumarate, fumarase enzyme reaction को control करेगा and form करेगा malate. Then malate dehydrogenase will convert the malate into the oxaloacetic acid with the release of NADH molecule, and oxaloacetic acid will help to regenerate the molecule of acetyl coenzyme E, so that आपका जो cycle है वो continuation में चलता रहे, continuous form में आगे चलता रहे. Okay, so this is your Krebs cycle. Clear है यहाँ तक? So Krebs cycle. हाँ, तो इसमें आपके total कितने NADH produce हो रहे हैं? 1, 2, 3. 3 आपके NADH and 4. Total आपके इस cycle में 4 NADH produce हुए. तो गिनोगे ही अगर cycle चल रहा तो. ठीक है, 4 NADH. One molecule of FADH and one molecule of ATP. ठीक है, हाँ, बट हमारा जब क्रेब्स साइकिल को कंसीडर करते हैं तो पाइरूवेट वाला तो गिनना ही, पाइरूवेट वाला छोड़ थोड़ी ना देना है ना, वो ग्लाइकोस तो वो ना वो ग्लाइकोलिसिस वाले में जाएगा ना वो नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल में जाएगा, काउंट तो करना ही है ना वो. Okay, so this is your Krebs cycle. So next है आपका ETC, electron transfer chain. Electron transfer chain, that is the flow of electrons, chain of flow of electrons to release the ATP. सबका main, जितने भी cycle चलने हैं, मतलब respiration का main motive ही क्या, to release ATP or to release energy in the chemical form. हमें ATP चाहिए, body ATP को recognize करती है as a chemical form of energy. तो सबने कोशिश क्या करनी है, टू फॉर्म द एटीपी. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप हुआ, क्रेब्स साइकिल का स्टेप हुआ, उसमें क्या हो रहा है, आपके जितने भी एनएडीएच बन रहे हैं या आपके एफएडीएच बन रहे हैं, डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस बहुत कम है उसमें. ये देखा ना, उसमें मोस्टली क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, एनएडीएच या एफएडीएच या कोई और एनर्जी की फॉर्म्स, वो सारी क्या होती है, रिड्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब जब भी उनकी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होनी होती है तब क्या होता है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स का पूरा चेन है जिसे यूज किया जाता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एटीपी, उसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, टू रिलीज मोर अमाउंट ऑफ एटीपी इन द बॉडी. ओके, तो आपकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया पता ना डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है आपका, इनर मेम्ब्रेन जो है वो आपके एक क्रिस्टे बनाती है, फोल्डिंग्स बनाती है. तो जो आपका वो स्ट्रक्चर है ना, आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं. यहाँ पे आपके इंटर मेम्ब्रेन चैम्बर में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, को एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, यूबीक्यूटिन्स प्रेजेंट है, साइटोक्रोम्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, वो दिखाई भी नहीं देता. ठीक है, तो वो सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उन्हें कॉन्टिन्यूस रखते हैं. ठीक है, तो सबने मिलके क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बनाना है सो दैट आपकी ज्यादा से ज्यादा एटीपी सिंथेसिस हो सके. और जो एंजाइम मेनली आपका हेल्प करता है दैट इज एटीपी सिंथेज एंजाइम. एटीपी सिंथेज हेल्प्स टू फॉर्म और हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स from the different reduced or oxidized form of the energy. जो भी आपके reduced forms हैं, oxidized forms हैं, उनको क्या करेगा, electron transfer करेगा और आपकी ATP synthesis में help करेगा. ठीक है, तो electron transfer chain का बस इतना ही काम है. Okay. ठीक है, तो ये आपकी electron, हाँ, नहीं बस इतनी है. ETS, electron transfer chain. ETS means, हाँ जी हाँ जी, देखो वो ना डायग्राम आपका बनाया ऐसे शो किया होता है ना, तो वो उन्होंने आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वो आपको थोड़ा सा ग्रेडियंट के बेसिस पे बताते हैं. ग्रेडियंट मतलब आपका हाई, अब स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, देखो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, मतलब H पॉजिटिव
की फॉर्म में ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया. जब आपकी एच पॉजिटिव की हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है ना आउटसाइड द मेम्ब्रेन, तब आपकी ईटीसी चेन अच्छे से फ्लो में चल रही होती है. ठीक है, बिकॉज इट नीड्स प्रोटॉन्स ना, सो दैट इट कैन एक्साइट द एफएमएन टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो दैट्स वाई हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट आपको चाहिए होता है स्टार्टिंग में, सो दैट कि आपका रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो सके. सो बेसिकली व्हाट इज ईटीसी, कुछ ज्यादा नहीं है. व्हाट इज ईटीसी, ईटीसी इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन. दैट मीन्स ट्रांसफर और द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चेन सो दैट इट कैन फॉर्म द मोर अमाउंट ऑफ एटीपी इन द सेल. ठीक है, तो आपकी जो एटीपी सिंथेसिस होती है वो कहाँ पे हो रही है, बेसिकली इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है सारा प्रोसेस. ठीक है, डिफरेंट पिछले प्रोसेसेस में क्या हुआ, देखो आपकी डिफरेंट फॉर्म्स बनी है एनएडीएच एफएडीएच. ठीक है, वो सारी आपकी डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पे यूज अप होती हैं टू फॉर्म द एटीपी. इनको यूज करके देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये यूबीक्विनोन. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब करके अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में जा रहा है. एक मिनट. ठीक है, तो एफएमएन प्रोड्यूस हुआ, इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टू द यूबीक्विटिन, देन साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए एंड लास्ट इज द साइटोक्रोम थ्री ए थ्री. तो आपका स्टेप बाय स्टेप पे क्या होता है, आपका एटीपी साइड बाय साइड रिलीज हो रहा होता है और आपका जो एंजाइम है दैट इज एटीपी सिंथेस और सिंथेटेज एंजाइम दैट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल्स. ओके, सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन और द ईटीसी दैट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर, जो आपका इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर है. ओके, सो बेसिकली देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ईटीसी चेन. तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया रेस्पिरेशन में, सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द ग्लूकोज. सबसे पहले क्या हुआ, इंजेशन ऑफ फूड, डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स विल हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड और टू फॉर्म ग्लूकोज. यहाँ पे आपका ग्लूकोज बना, दिस ग्लूकोज विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन. रेस्पिरेशन में क्या होगा, इसी ग्लूकोज को डिग्रेड किया जाएगा बाय द डिफरेंट स्टेप्स टू फॉर्म द एटीपी. कौन कौन से हैं डिफरेंट स्टेप्स, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी, ओके, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. Oxidative phosphorylation means that mean phosphoryl group is added. So, okay, oxidative phosphorylation mein kya hoga? With the release of electrons, there is formation of the ATP. Okay, so this is the electrons to transfer hi hone hain. To transfer kaise hone hain? Kuch gain kar rahe hain, kuch release kar rahe hain, tabhi electron transfer ho rahe hain na. Agar ek aapka lose karega, tabhi to it will give electrons to the others. ठीक है, so these are the different steps of the respiration. So thank you class, this is all for today.